में जो सिस्टम लागू किया जाता है पुलिसिंग में, वो सभी के फीडबैक से ही लागू किया जाता है। और जो ड्यूटी का समय है या शिफ्ट का समय है, साथ ही जो बीट की व्यवस्था है, इसको समय समय पर संशोधित भी किया जाता है जैसे फीडबैक आता है। लेकिन वर्तमान में जो सिस्टम लागू किया गया है ये पूर्णतः उपयोगी है। और इसमें यही जानकारी मिली है कि ड्यूटी का जो समय था वो भी निश्चित हो गया है और पहले से भार भी कम हो गया है। लेकिन जिस समय में इनको ड्यूटी करना है उस समय में इनकी उपलब्धता लगातार रहना चाहिए, ये भी सुनिश्चित किया गया है। जिससे हो सकता है कि कुछ कर्मचारियों को इसमें परेशानी आ रही है, अगर उनकी परेशानी जायज़ है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन कोई भी अधिकारी कर्मचारी को उसके ड्यूटी समय से बिना कारण के अनुपस्थित रहने पे जो है अवश्य कार्रवाई की जाएगी। और सभी कर्मचारियों को बराबर भार रहे, जिम्मेदारी मिले और उनको अच्छे कार्य का इनाम मिले, यही सुनिश्चित किया जाए। इसमें ये महिला आरक्षक सीमा पवार आप आ गया जो तो दोनों महिला अच्छी लगे। तो आपकी कहाँ की ड्यूटी सुबह से कहाँ पर है? थाने आए थे या सीधे वहाँ गए थे? यहाँ से वहाँ गए। कब से लग रही ड्यूटी आपकी वहाँ से? आते हैं कितने बजे से कितने बजे तक पूजा होती है? नहीं सुबह से भी भीड़ नहीं रहती, कितनी भीड़ रहती है? क्या देर होते हैं? सामान्य मंदिर में तो एक ही दो जन आते हैं, वहाँ तो दर्शन वैसे ही करता है।